नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल और सब ठीक ठाक? तो यार चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने वीडियो पर, बच्चों और बुरा कपड़ा। तो चलिए, तो यार पहले पहले रेडमी से, तो रेडमी K50 सीरीज जो कि बोलिए भाई कहते हैं 2 फरवरी 2022 में आने का चांस है, या तो मैं कहूँगा भाई जनवरी, मैं अभी एक्सपेक्ट करूँगा कि भाई जनवरी तक आने का चांस है, तो 2022 में आएगी। अभी 2021 चल रही है तो आप वेट कीजिए। फिर भाई क्या कहते हैं क्रिप्टो करेंसी से, तो क्रिप्टो करेंसी के मायने में बोला गया भाई कि इंडिया में बैन होने जा रहा है क्रिप्टो करेंसी, जो कि भाई बकायदे से बोला जा रहा है भाई कि जो भाई अपने कहते हैं जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा भाई कहते हैं जो बजट सत्र से पहले ही, तो उन्होंने कहा कहते हैं यार क्रिप्टो करेंसी हमेशा के लिए बैन होने जा रहा है शायद ही, बट क्या पता अभी तो कन्फर्म नहीं है, बट इंडिया ने सोचा है, इंडिया गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई कहते बैन करेगी। फिर भाई कहते हैं भाई टेक्नो से, तो टेक्नो पोवा 2 ईयर लॉन्च होने वाला इंडिया में, जो कहते हैं भाई टेक्नो का जो मालिक है भैया कहते हैं सीईओ है, उन्होंने कहते हैं यार ट्वीट करके कहा कि भाई टेक्नो पोवा 2 आने वाला है, जो कि बोलिए भाई कहते 12,000 रुपये प्राइस है। एक प्राइस की बात करूँगा तो प्राइस तो ठीक है, 7,000 एम एच की बैटरी है और हेलो G85 के साथ आएगी, तो अच्छी बात है। फिर AMD से, तो AMD कहते यार आ गई भाई नंबर 1 रैंकिंग के मामले में, जो कि इस समय इस महीने जो कहते हैं भाई पूरी चेक की गई थी मतलब समथिंग रैंकिंग को, तो इंटेल थोड़ी सी पीछे हो गई। अब आ कहते यार इंटेल के जो सेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम है वो तो बड़ी है, बट बोला जा रहा है कहते कि AMD अब नंबर 1 पे आ गई है। फिर भी अगले अवश्य, तो वावी एंड वेरिजोन कंपनी इनके बीच भी तानाशाही चल रही है भैया, इनके ऊपर कहते टकरार हो गई है, वही भाई जो नोकिया और ओप्पो की वजह से पेटेंट के मामले में, इनके भी पेटेंट के मामले में, जो कि भाई कहते हैं US में इनका US कोर्ट में कहते हैं इनके लॉ के हिसाब से कहते हैं पेटेंट ये करा है वो लड़ने वाली भाई कहते हैं बात ही है इसी कहते हैं। फिर वही एप्पल से, तो एप्पल आईफोन 13 सीरीज की अगर 2 नए कलर वेरिएंट में आ सकती है कंपनी द्वारा कहा गया है, पर देखते कहते यार एप्पल अगर कहा है जरूर आएगी भाई येलो या समथिंग और भी कलर। फिर वही फ़ोन के मामले में, तो एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स कहते हैं लगभग अब अगले 7 महीने के बीच नंबर 1 बनी है भाई ब्लैक स्टार 4 प्रो, जो कि बताया जा रही है भाई कहते हैं यार ब्लैक स्टार 4 प्रो की भाई कहते हैं स्टैंड बाई बैटरी पावर कंजप्शन समथिंग जो भी कहते हैं अच्छी है कहते हैं सब स्पेसिफिक लेके ब्लैक स्टार 4 प्रो इस महीने भी नंबर 1 बनी है, तो अच्छी बात है। बाकी कहते हैं अगली जो कहते हैं फ़ोन है भाई वो एस एस की फ़ोन है ROG, और तीसरे नंबर पे है आपकी नूबिया रेड मैजिक 6। फिर भी अगले रियलमी से, तो रियलमी की GT मास्टर एडिशन एंड GT मास्टर एक्सप्लोरर एडिशन आने वाली है, लाइकली कहते हैं यार लॉन्च होने के समय है भाई जुलाई के एंड में, तो देखते हैं। फिर भी अगले वीवो से, तो वीवो की S10 प्रो के कहते यार फुल स्पीसीज लीक हुई है, जो कि बताया जा रही है भाई गूगल प्ले कंसोल के साथ आएगी, 108 मेगापिक्सल कैमरा है और बाकायदे बोला गया है इंडिया में इस साल के अंत तक आने का चांस है। फिर बिकले ZTE से, तो ZTE ब्लेड A31 यार लॉन्च होगी यार साइलेंटली, मतलब चुपके कहते यार लॉन्च होगी यार रसिया में बिना कुछ बोले ही, तो बोली भाई कहते 5.45 इंचेस की डिस्प्ले है और भाई 5 मेगापिक्सल की बैक सॉरी फ्रंट कैमरा, 8 मेगापिक्सल की बैक कैमरा, 3000 mAh की बैटरी, 2GB रैम आएगी और 1900SC986 समथिंग प्रोसेसर है और भाई प्राइस देखी गई है लगभग 7,500 रुपये, तो प्राइस की अगर बात करूँगा तो प्राइस ही ऐसा ही है बट थोड़ी सी ज़्यादा है, 5,000 प्राइस रखूँगा। फिर भी अगले शाओमी से, तो शाओमी MI नोटबुक प्रो 14 एंड MI नोटबुक अल्ट्रा 15 आने वाली है इंडिया में, जो कि बताई जा रही है भाई बाकायदे से अगस्त में लॉन्च होगी, तो अच्छी बात है। फिर भी अगले वन प्लस से, वन प्लस नॉट 2 अगर यार पहली अब ऐसी मोबाइल बनेगी जो कि अगर है कलर OS और ऑक्सीजन OS के साथ मिलके अपडेटिंग साथ मिलेगी, बोली भाई ऑक्सीजन OS 11.3 कहते यार इन दोनों के कोड बेस के साथ, तो अच्छी बात है। फिर भी अगले मोटरोला से, तो मोटरोला की G60S की यार प्राइस लीक हुई है कि नई फ़ोन आ गई है, G60 सीरीज आई थी लॉन्च हुई है, बट G60S कहते यार बोली है कि 25,000 रुपये प्राइस जो स्पेसिस बताई गई है वो है भाई 8GB रैम 128 स्टोरेज के साथ ब्लू कलर की वेरियंट में आएगी, तो अच्छी बात है। फिर भी अगले कहते हैं आप एलन मास्क से, तो एलन मास्क क्या कहते हैं टेस्ला के बराबरी ही करते करते अब बोले भाई लगभग मैं US में 2.6 बिलियन रुपीस का इन्वेस्ट करूंगा सोलर सिटी प्लान बनाने के लिए, तो सोलर प्लान बनाने के लिए लगभग तो भाई 2.6 बिलियन समथिंग बहुत ज़्यादा हो गई, तो बोलिए भैया कि अब इस दाव में भाई कहते हैं US का कोई और मदद आदमी करे कि भाई शेयर होल्डर जरूर लगाना चाहिए भाई कितना बड़ा प्लान बनाना है,
तो मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी इन्वेस्ट करो। फिर भी ओप्पो से, तो ओप्पो रेनो 6 सीरीज से कहते यार बोलिए भैया कि ग्लो समथिंग, एक वीडियो के हिसाब से बोला गया भाई कि रेनो की जो सीरीज़ है वो है भाई ग्लो डिज़ाइन एंड समथिंग कहते हैं बोक फ्रेम ऐसे समथिंग बोला गया है, और पोर्ट्रेट समथिंग डिज़ाइन है, मतलब पोर्ट्रेट वीडियो आप बना सकते हो, पोर्ट्रेट कैमरा है, मस्त है कैमरा। तो कैमरा की बात सही है, बट आप प्रोसेसर पे जाओ, प्रोसेसर क्या बात है वो अलग ही रहेगी। फिर भी कहते हैं यार रियलमी से, तो रियलमी बुक लैपटॉप कहते हैं यार भाई आने वाली है समथिंग बोली यार, ये अगस्त के अंत तक लॉन्च होगी और प्राइस बोली गई है 40,000 रुपये, तो कंफर्म है। बट बोली जा रही है कहते यार इंडिया में शायद नवंबर तक आने के चांस है। फिर भी कहते हैं यार नथिंग ईयर वन से, भाई वन प्लस नथिंग ईयर वन बड्स जो वाली है भाई ट्रू वायरलेस स्टूडियो ईयरबड्स के, जो कि प्राइस बोली गई है 5,999 रुपये, एंड बोलिए कि क्या कहते हैं अदर कंट्री के हिसाब से चीपर प्राइस है, सस्ते प्लान है। तो यूके में अगर ज़्यादा है, यूएस में ज़्यादा है, और समथिंग अदर यूरोप में भी ज़्यादा है, इंडिया में लोएस्ट क्यों है वो तो भाई अगर अफोर्डेबल दाम के लिए रखा गया है। फिर भी कहते अमेजोन से, तो अमेजोन अगर यार भाई अमेजोन और शायद गूगल अगर यार अब समथिंग पार्टनरशिप करना चाहती है, मे भी ज्वाइन करेगा, जो कि बुलाएगा भाई कहते उनके गूगल मैप के रडार को यूज करेगा, और बताएगा भाई कहते जैसे स्लीप ट्रैकिंग सिस्टम और जो भाई कहते इनकी अमेजोन का एको सिस्टम है उसमें अगर थोड़ी सी बदलाव करेगा गूगल साथ मिलके, तो ये अच्छी बात है। फिर भाई अगर रियलमी से, तो रियलमी की अगर रियलमी जो पैड है भाई बोली गई है लार्ज बैटरी के साथ आ सकती है। लार्ज बैटरी है का भाई, एक पैड में तुम लगा रहे हो, टैबलेट में लगा रहे हो, ये क्या है भाई 7,700 mAh की बैटरी लगा रहे हो, तो ये कन्फर्म नहीं है। बट अगर आप लार्ज बैटरी नहीं दे सकते हो ये अच्छी बात नहीं है। बोली कि 18 वाट की फास्ट चार्जिंग और 10 इंच की डिस्प्ले के साथ आएगी, जो कि कहते हैं आप फोटो फुटेज देख चुके हो। फिर भी अगर टेक्नो से, तो टेक्नो की कैमन 70 सीरीज से कहते हैं यार लॉन्चिंग होगी भाई कहते हैं 15 जुलाई को, जो कि बताई जा रही है कहते हैं यार 70 सीरीज में 70 एंड 70 प्रो भी आ सकती है। बट जो मेरे पास है कहते हैं स्पीसीज है 70 प्रो की, बोली है 64 मेगापिक्सल कैमरा, झेलू G95 प्रोसेसर के साथ, 90 रिफ्रेश रेट, 6.8 इंचेस की डिस्प्ले है, 5,000 mAh की बैटरी है, समथिंग 25 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ, तो गुड है। फिर भी क्या कहते हैं अमेजोन से, फिर से तो अमेजोन प्राइम डे कहते हैं यार स्टार्ट होने वाला है 26 से 27 जुलाई में, और बोलिए कहते यार कुछ नए नए ऑफर आएंगे आईफोन के लिए। तो आईफोन अगर आप कभी मत सोचना भाई 1 लाख का आईफोन 10,000 रुपये में हो जाएगा, वो अपने दिमाग से हटा लो भाई, वो फेक है। फिर भी क्या लॉजिटेक से, तो लॉजिटेक कहते हैं Z355 आ गई भाई अपने इंडिया में, अब अवेलेबल हो गई है, बट जो अमेज़ॉन पे आई है वो प्राइम मेंबर वाले के लिए है। अमेज़ॉन पे अगर आई है तो उसमें बताएगा भाई प्राइम मेंबर करवाओ तब जाके आपको मिलेगा, प्राइम डे सेल भी लगेगा। बोलिए कहते यार भाई समथिंग अफोर्डेबल दाम में निकालो, बट अगर प्राइस जो है 6,795 रुपये अमेज़ॉन पे मैंने देखा है। फिर भी सैमसंग से, तो सैमसंग का कहते हैं डील कर रहा है भाई टेस्ला के साथ, जो कि बताया जा रहा है भाई जो साइबर ट्रक बनाएगा उसमें कैमरा लगेगा, तो साइबर ट्रक कार रहेगी वो भाई, एक ट्रक नाम दिया गया, बताओ नाम है कुछ और कार है कुछ और। तो बोला कहते यार लगभग 6 कैमरा लगेगा, 6 कैमरा कहते यार अपफ्रंट व्यू समथिंग अलग अलग बैकअप लेवल है, अच्छी बात है। फिर भी कहते यार भाई अब सुपर मारियो से, तो सुपर मारियो 64 जो कि कहते खुला हुआ था भाई यूएस में कितने रुपए में बिका यकीन नहीं करोगे भाई, 11,61,00,000 रुपये में उसकी बिक्री हुई है, मतलब 1.56 मिलियन डॉलर, बहुत ज़्यादा हुई है, मतलब ये सुपर मारियो 64 का कहते हैं पुराना चीज़ है उसका बेस दिया गया। फिर भी कहते अब भाई सैमसंग से, तो सैमसंग गलेक्सी S30 सीरीज आने वाली है, तो S30 और S30 अल्ट्रा सपोर्ट करेगी भाई पंच होल कैमरा के साथ, जो कि बताइए भाई कहते हैं समथिंग न्यू वेरिएंट एक लॉजिस्टिक डिज़ाइन के साथ आएगी, तो अच्छी बात है। फिर भी कहते शॉमी से, तो शॉमी यूपिन क्राउड फंड एक नई निकाली है भैया, थोड़ी सी अलग अलग स्पीसीज, सॉरी स्पीसीज गैजेट बोलूँगा, बोलिए भाई कहते हैं भाई एक कैट जो आपको पालतू जानवर रहते हैं उसको वॉशेबल करेगी, एक छोटी से कहते हैं समथिंग जार है, उस जार में इलेक्ट्रॉनिक टाइप में है भैया, उसको डालो आराम से कहते हैं वॉश हो जाएगा, मतलब वो भैया नहीं कि वॉशिंग मशीन नहीं है, वो कहते ड्राइंग चीज़ है, तो अच्छी बात है। कहते हैं शॉमी कहते हैं वर्क इस तरफ से भी कर रहा है। फिर एक लास्ट बात एल जी से, तो एल जी इनोटेक एंड कॉर्निंग कंपनी वर्किंग कर रही है लिक्विड लेंस के लिए, जो कि बताइए अरे भाई कहते आने वाले समय में कहते स्मार्टफोन लगेगी वो तो फोटोग्राफी कहते कैमरा के साथ भी वर्क कर सकती है, तो अच्छी बात है। कहते एल जी की कहते एल जी और कॉर्निंग कंपनी कहते लेंस लिक्विड बनानी चाहती है, तो अच्छी बात है। तो ठीक है यार आज के लिए रखता ही,
कल मैं नई नई साथ। बड़े लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब बड़े अगर यार आप काम करो, वो शेयर कर दो, वो घंटा वाला आइकन है, आप नए हो ना, घंटा वाला आइकन दबाओ, क्योंकि कहते हैं वो ना वो बहुत ताज़ी मिलती है उससे वजह से। तो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही, आज के लिए गुड बाय। God so far.